नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल INT हिंदी टेक में। तो दोस्तों, जिस वीडियो का इंतजार था आप लोगों को, वो वीडियो लेकर मैं आ गया हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि PayJapf वॉलेट बैलेंस को आप Paytm या फिर Paytm पेमेंट बैंक में किस तरह से ट्रांसफ़र कर सकेंगे जिसमें आपको कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि अगर आपका एयरटेल वॉलेट पर पैसा है उसे भी आप अपने Paytm पेमेंट बैंक या फिर Paytm वॉलेट में ट्रांसफ़र कर सकेंगे। अगर MobiQuick वॉलेट पैसा है उसे भी आप ट्रांसफर कर सकेंगे बिल्कुल फ्री में, कोई भी चार्ज आपको देना नहीं पड़ेगा। अगर फ्री चार्ज वॉलेट में आपका पैसा है उसे भी आप काफी आसानी से ट्रांसफर कर सकेंगे। और ओला मनी वगैरह जितने भी यहां पर वॉलेट में पैसा है, वहां पर जो भी वॉलेट शो हो रहे होंगे, वो सारे वॉलेट का पैसा आप अपने बैंक अकाउंट या फिर Paytm वॉलेट में ट्रांसफर कर सकेंगे। इस वीडियो में मैं आपको पूरा ट्रिक बताने वाला हूं, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पूरी तरह से यह ट्रिक समझ में आ जाए। दोस्तों, सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हम PayJapf एप्लीकेशन को ओपन कर लिए जिसमें मेरा 504 रुपए शो हो रहा है। ठीक है, तो अभी इसमें से मैं कुछ पैसा आपको ट्रांसफर करके दिखाऊंगा और यहां पर MobiQuick वॉलेट का भी पैसा वगैरह हम आपको ट्रांसफर करके जरूर दिखाएंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह के नए नए ट्रिक और नए नए वीडियो मिलते रहे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि नोटिफिकेशन वाले घंटी पर जरूर क्लिक कीजिएगा, तभी हमारे द्वारा अपलोड किया गया सभी नए वीडियो नोटिफिकेशन आप प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों, आपको सीधा से एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, वो एप्लीकेशन का नाम और पूरा हुलिया और पूरा प्रोसेस करके मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों, आ जाना है आपको गूगल प्ले स्टोर में। गूगल प्ले स्टोर में आने के बाद आपको सर्च कर लेना है ई वायर। जी हाँ दोस्तों, ई वायर जो एक रुपए है, आप सभी को पता होगा ई वायर का एक मास्टर डेबिट कार्ड वाले भी एप्लीकेशन है। तो आपको डाउनलोड करना है ई वायर रुपए, इसमें आपको रुपए डेबिट कार्ड मिल जाती है। दोस्तों, यहां पर मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं। अगर इसमें पैसा वगैरह फंसता है या फिर ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल दिखाता है, पैसा ऐड नहीं होता या फिर ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है, आपका पैसा डेबिट हो जाता है, तब आपको क्या करना है, ये सारा प्रोसेस मैं आपको जरूर बताऊंगा। बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो इस एप्लीकेशन को आप ओपन कीजिए, इंस्टॉल करके ओपन जब करोगे तो आपको इसमें अपना अकाउंट बनाना होगा। अगर आप पहली बार अकाउंट बना चुके होंगे तो आपको यहां पर लॉगिन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं इस अकाउंट को लॉगिन कर लिया हूँ, आप देख सकते हैं हमने 100% यहाँ पर लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर 25 रुपए पड़े हुए हैं। ठीक है, तो आपको क्लिक करना है लोड मनी की ऑप्शंस पे। मैं सबसे पहले यहाँ पर आपको कार्ड दिखा दूँ। यहाँ पर कार्ड के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आप देख पाएंगे यहाँ पर रुपये डेबिट कार्ड हमें शो हो चुके हैं। ठीक है, तो आपको इसी प्रकार से एक वर्चुअल रुपये डेबिट कार्ड मिल जाएंगे, आप चाहे तो फिजिकल डेबिट कार्ड भी मंगवा सकती हैं। तो चलिए बैक आते हैं, बैक आने के बाद हम लोड मनी के ऊपर क्लिक करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर लोड मनी के ऑप्शंस में आपको दो ऑप्शंस दिख रहे होंगे, एक UPI और एक डेबिट कार्ड एंड नेट बैंकिंग की। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि यहां पर वॉलेट की कोई ऑप्शंस ही नहीं आ रहा है और मैंने आपको बताया कि MobiQuick वगैरह वॉलेट से भी आप ट्रांसफर कर सकेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा, धैर्य के साथ बने रहिए इस वीडियो में। आपको सिंपल से यहां पर अमाउंट एंटर कर देना है जितना आप ट्रांसफर करना चाहते हैं, उसके बाद लोड मनी के ऊपर क्लिक कर देना है। मैं यहां पर 20 रुपए ही सिलेक्ट कर रहा हूं। अब दोस्तों, यहां पर टर्म एंड कंडीशन कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि यहां से जब आप एक्सेप्ट करके पेमेंट पेज पे जाओगे तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ई वायर सॉफ्ट की तरफ से नहीं रहेगा, पेमेंट गेटवे के तरफ से रहेगा। तो पैसा अक्सर यहीं पे फंसता है और यहां पर ई वायर को लोग मैसेज करते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि अगर पैसा अटक जाता है तो आपको क्या करना होता है। तो सिंपल से यहां पर एक्सेप्ट कीजिए। जब आप एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे तो यहां पर कुछ इस प्रकार के इंटरफेस आपके सामने नजर आ जाएंगे। दोस्तों, यहां पर आपको कार्ड की ऑप्शंस मिल जाएगी, नेट बैंकिंग और वॉलेट और UPI की ऑप्शंस मिल जाएगी। तो यहां पर जब आप वॉलेट पर क्लिक करोगे तो यहां पर कई सारे वॉलेट आपको नजर आ जाएंगे, जियो मनी, फ्री चार्ज, एयरटेल मनी, ओला मनी और यहां पर PayJapf और MobiQuick। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप PayJapf वॉलेट बैलेंस को Paytm या फिर Paytm पेमेंट बैंक में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप यहां पर PayJapf का ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि आपके अगर मोबाइल फोन में PayJapf का एप्लीकेशन है तो एक नोटिफिकेशन जाएगा, नोटिफिकेशन जाने के बाद आप डायरेक्ट PayJapf अकाउंट से ट्रांजेक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन उससे अच्छा बेहतर ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको PayJapf का वर्चुअल डेबिट कार्ड नंबर यहाँ पर डाल देना है और कार्ड के ऊपर क्लिक करके पेमेंट कर लेना।
लेना है। अब दोस्तों मान लो कि यहाँ पर आपको MobiQuick से ट्रांसफर करनी है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको MobiQuick वॉलेट से ट्रांसफर करनी है, तो यहाँ पर आप MobiQuick को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर फ्री चार्ज वॉलेट की मनी को ट्रांसफर करना है तो फ्री चार्ज वॉलेट मनी को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर एयरटेल मनी में आपका पैसा है तो एयरटेल मनी का आप ट्रांसफर करना चाहते हैं तो एयरटेल मनी भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम MobiQuick को सेलेक्ट करके पे 20 पर क्लिक करती हैं। अब दोस्तों यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए OTP भेजी जाएगी। मैं आपको बता दूं कि हमारे MobiQuick वॉलेट में अभी अमाउंट नहीं है, ठीक है, यहाँ पर इनसफिशियंट बैलेंस लिख देगा। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, OTP जस्ट हम यहाँ पर फिल कर देते हैं। हमने यहाँ पर OTP फिल कर दिया, OTP फिल करने के बाद वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर दिया, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनसफिशियंट बैलेंस इन योर वॉलेट, यानी कि हमारे MobiQuick वॉलेट में पैसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम ऐड फंड पर क्लिक करेंगे तो ऐड फंड पर यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस नजर आ जाएंगे हमें, देख सकते हैं। यहाँ पर एक बार फिर से OTP भेजी जा रही है, तो चलिए यहाँ पर हम मोबाइल नंबर चेंज करके सेंड OTP पर क्लिक करते हैं। मोबाइल नंबर हमने चेंज किया, सेंड OTP पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं OTP भेजी जा रही है इस नंबर पर, तो हमारे पास OTP आ चुकी है, जस्ट हम OTP यहां पर एंटर कर देते हैं। दोस्तों OTP एंटर करने के बाद यहां पर फाइनली लॉगिन हो जाएगा मेरा अकाउंट, लेकिन अभी जो हमने जिस अकाउंट को लॉगिन किया है उस पर ऑलरेडी 51 रुपये 26 पैसे है, ठीक है। तो अगर दूसरे अकाउंट पर MobiQuick के दूसरे अकाउंट पर आपका पैसा है तो कुछ इस प्रकार से मोबाइल नंबर चेंज करके आप पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने पे नाउ पर क्लिक कर दिया, देख सकते हैं पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। तो आप पर देख सकते हैं ई वायर सॉफ्ट में जो है ये पैसा लोड हो चुका है, 25 रुपए थे और 45 रुपए हो चुकी है, 20 रुपए हमने अभी ट्रांजैक्शन कर लिया। तो सेम यही प्रोसेस आपको कर लेना है। अगर ये आपको फिर से यहां पर एंटर करना है मान लो, तो लोड मनी पर क्लिक करो। लोड मनी पर क्लिक करने के बाद अगर आपको यहां पर पेजअप वॉलेट बैलेंस को ट्रांसफर करनी है तो यहां पर आप कार्ड के ऊपर क्लिक कीजिए। कार्ड के ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर हम स्किप कर देते हैं। कार्ड के ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर कार्ड नंबर वगैरह सारा कुछ डालने की ऑप्शंस आ रही है, ठीक है। तो अगर आपको पेजअप वॉलेट बैलेंस को ट्रांसफर करना है अपने पेटीएम में या फिर पेटीएम पेमेंट बैंक एप्लीकेशन में या फिर किसी भी जैसे मान लो कि TMW वॉलेट वगैरह में आपका पैसा है, तो अगर आप ट्रांसफर करना चाहते हैं तो कुछ इस प्रकार से ट्रांसफर कर सकते हैं। दोस्तों अब इसके बाद आप लोग ये मत कहना कि मेरे इस वॉलेट में पैसा फंसा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लगातार हमें कमेंट आ रहे थे। तो जितने भी वॉलेट में आपका पैसा फंसा हुआ है, जो भी वॉलेट है, अगर कोई भी वर्चुअल डेबिट कार्ड वाले वॉलेट है, उसमें से सारा आप पैसा निकाल सकते हैं इसी मेथड को अप्लाई करके। तो चलिए मैं आपको पेजअप वॉलेट का भी ट्रांजैक्शन यहां पर करके दिखा देता हूं। तो यहां पर हम पेजअप का वर्चुअल डेबिट कार्ड नंबर वगैरह एंटर कर देते हैं। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं हम पेजअप वर्चुअल डेबिट कार्ड की सारा डिटेल एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद पे 200 पर क्लिक कर दिया, ठीक है। तो यहां पर हमसे सिक्योर पिन मांगे जा रहे हैं। आप सभी को पता होगा कि आपका जो पेजअप वॉलेट लॉगिन पिन होगा वही यहां पर सिक्योर पिन होता है, तो सिंपल से हम सिक्योर पिन यहां पर एंटर कर देते हैं। हमने यहां पर सिक्योर पिन एंटर करके सबमिट किया है। सबमिट करने के बाद ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो चुका है, आप देख सकते हो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो चुका है और फाइनली ई वायर सॉफ्ट में ये पैसा आ चुका है, जो रुपे डेबिट कार्ड वाले वॉलेट है। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपका पैसा अगर ट्रांजेक्शन के समय फंसता है तो आप सबसे पहले रजर पे को यहाँ पर मैसेज कीजिए। आपके ई मेल आई डी पर रजर पे मैसेज कर देता है कि इतने इतने ट्रांजेक्शन हुए हैं या फिर पेंडिंग में है, वो भी मैं इस वीडियो के अंत में जरूर बताऊंगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर वर्चुअल डेबिट कार्ड जो आपका शो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप अपना वर्चुअल डेबिट कार्ड को कॉपी कर लीजिए या फिर कहीं पर लिख लीजिए या फिर दूसरे डिवाइस में फोटो वगैरह खींच लीजिए। खींचने के बाद यहाँ पर अनहाइड CVV जब क्लिक करोगे तो आपका CVV नंबर यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है, इस वॉलेट कार्ड का CVV नंबर शो हो जाएगा। उसके बाद आपको आ जाना है पेटीएम वॉलेट एप्लीकेशन में। बैंक में लोड मनी करना चाहते हैं तो यहां पर बैंक के ऊपर क्लिक करके आप लोड मनी कर सकती हैं। तो यहां पर हम पासवर्ड वगैरह एंटर करके पेटीएम पेमेंट बैंक में एंटर कर जाते हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं पेटीएम पेमेंट बैंक के सेक्शन में हम आ चुके हैं। यहां पर सिंपल से आपको ऐड मनी के ऊपर क्लिक कर लेना है, ठीक है। यहां पर जो ऐड मनी दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहां पर आपको अमाउंट एंटर कर देना है जितना आप ट्रांसफर करना चाहती हैं, ठीक है। तो चलिए यहां पर हम अमाउंट एंटर कर देते हैं। अमाउंट एंटर करने के बाद आपको यहां पर ई वायर सॉफ्ट का जो रुपे डेबिट कार्ड है वो यहां पर एंटर कर देना है डेबिट कार्ड वाले ऑप्शंस को सेलेक्ट करके। मैं आपको बता दूं कि अभी रुपे डेबिट कार्ड ये काम कर रहा है पेटीएम पेमेंट बैंक या फिर पेटीएम वॉलेट में, तो कब तक ये काम करेगा मैं आपको कंफर्म नहीं बता सकता। तो ऑलरेडी मैंने इसे चेक कर लिया था, तो यहां पर मेरा
रुपए डेबिट कार्ड ऑलरेडी सेव है जो ई वायर सॉफ्ट का है, तो हमें यहाँ पर सिर्फ सीवीवी नंबर एंटर कर देना है। तो चलिए यहाँ पर हम सीवीवी नंबर एंटर करके प्रोसेस कर लेते हैं। हमने यहाँ पर सीवीवी नंबर एंटर किया, उसके बाद प्रोसीड सिक्योरली पर क्लिक किया। ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद एक वेरिफिकेशन के लिए यानी कि ट्रांजेक्शन के लिए ओटीपी आती है, आप सभी को मालूम होगा। तो ई वायर सॉफ्ट की तरफ से एक ओटीपी आएगी जो फेडरल बैंक की तरफ से भेजे जाती है। ठीक है, तो जस्ट हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। यहाँ पर पेमेंट पेज पर ये जा चुका है ऑलरेडी, तो यहाँ पर देख सकते हैं ओटीपी भेजी गई है हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। तो हम यहाँ पर ओटीपी जस्ट एंटर करके सबमिट करेंगे। ओटीपी जब आएगी हम यहाँ पर सबमिट करेंगे। मैं आपको बता दूं कि अभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है पेटीएम पेमेंट बैंक में लोड मनी करने में या फिर पेटीएम वॉलेट में लोड मनी करने में। तो मैंने आपको अब तक के बता दिया कि आप कौन कौन से वॉलेट बैलेंस को आप बहुत ही आसानी से ट्रांसफ़र कर सकती हैं। तो यहाँ पर ओटीपी आ चुका है, जस्ट हम यहाँ पर ओटीपी एंटर कर देते हैं और ओटीपी एंटर करने के बाद हम सबमिट पे क्लिक करती हैं। तो चलिए यहाँ पर हमने सबमिट पे क्लिक किया। सबमिट पे क्लिक करने के बाद ट्रांजेक्शन प्रोसेस में है, आप देख सकते हैं थोड़ा देर में ये ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पेटीएम पेमेंट बैंक का अकाउंट नंबर यहाँ पर लिखा जा चुका है और इसमें 220 रुपये फाइनली ऐड हो चुके हैं। तो बहुत अच्छा ट्रिक है, अभी फाइनली ये ट्रिक बहुत अच्छे से काम कर रही है। आप चाहे तो पेटीएम पेमेंट बैंक में ऐड कर लो या फिर पेटीएम वॉलेट में ऐड कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर पासबुक के ऊपर क्लिक करके मैं अभी आपको ट्रांजेक्शन दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं 220 रुपये की एड मनी जो हमने अभी किया जस्ट वो हो चुका है और यहाँ पर फेडरल बैंक डेबिट कार्ड लिखे जा चुके हैं। तो दोस्तों इस ट्रिक को यूज कीजिए, जब तक ये ट्रिक काम कर रहा है आप यूज कीजिए। और जो भी वॉलेट में आपका पैसा वगैरह फंसा हुआ है या फिर ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप आसानी से कर लीजिए। अब बात करते हैं ट्रांजेक्शन फंसने वाले मैटर पे। तो दोस्तों हम आपको डायरेक्ट लेकर आ चुके हैं ईमेल आईडी दिखाने के लिए। यहाँ पर आप देख सकती हैं रजर पे की तरफ से यहाँ पर हमें एक ईमेल रिसीव हुआ है जिसमें लिखा गया है कि आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। मैं आपको बता दूं कि अगर आपका पेमेंट कहीं फंसता है और रजर पे की तरफ से पेमेंट फेल या फिर प्रोसेसिंग की मैसेज आ जाती है तो आपको संपर्क करना है रजर पे से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पेमेंट गेटवे से ही आपको संपर्क करना है। दूसरी नंबर मैं आपको बात बता दूं कि यहाँ पर रजर पे पेमेंट सक्सेसफुल लिख रहा है और ई वायर या फिर कोई एप्लीकेशन वहां पर बता रहा है कि पेमेंट नहीं आया है, तो आपको दोनों एप्लीकेशन के साथ संपर्क करना पड़ेगा, दोनों टीम से संपर्क करना पड़ेगा। सबसे पहले आप संपर्क कीजिए रजर पे से और रजर पे को आप बताइए कि अगर ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हुआ तो वहां पर वो क्यों नहीं सो रहा है। दूसरी नंबर में जो भी वॉलेट जैसे ई वायर या फिर कहीं भी आप लोड मनी करते हो उससे संपर्क कीजिए और रजर पे का यहाँ पर ट्रांजेक्शन आईडी उसे प्रोवाइड करा दीजिए। तो फाइनली आपका जो प्रोसेस है वो 7 दिनों के अंदर कंप्लीट करके या तो आपके वॉलेट में पैसा भेज दिया जाएगा नहीं तो आपका पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। दोस्तों यहां पर पूरा डिटेल रजर पे भेज देती है तो इसलिए घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर इस तरह के कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आती है तो आप ये प्रोसेस दोहरा सकते हैं और ये प्रोसेस कर सकते हैं। हालांकि मैं बता दूं कि ज्यादातर ये दिक्कत नहीं आ सकती है क्योंकि ई वायर सॉफ्ट में आप थोड़ा थोड़ा करके अगर पैसे को रखते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आ सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया, फाइनली बहुत महत्वपूर्ण ट्रिक मैंने आपको बता दिया। अब ये ट्रिक कब तक काम कर रहा है, कब तक आप यूज कर रहे हैं ये आपके ऊपर है और ये ट्रिक के ऊपर है कि कब तक ये काम कर रहा है। तो इस वीडियो में मिली जानकारी से यदि आप संतुष्ट हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए गुड बाय।